अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तंदूरी चाय की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुल्हड़ को गर्म करने के लिए रखूँगी। तो ये मैंने धोकर अच्छे से सुखा लिया था। अब मैं इसे अच्छे से इससे गर्म होने के लिए रख दूँगी और दूसरी तरफ मैं देगची चढ़ाकर दूध बॉयल कर लूँगी। तो ये देखिए, इसमें मैंने 2 कप दूध लिया है। मेज़रिंग कप से मैंने 2 कप दूध लिया है, ये वाले कप से। देखिए दूध बॉयल होने पर है और ये बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी सॉस पैन में चाय बनाने के लिए। तो ये 2 कप दूध मैंने पूरा ले लिया है, आप चाहे तो 1 कप से भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 टेबल स्पून चाय पत्ती और 2.5 टेबल स्पून जो है मैं चीनी ली हूँ, ये मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ मैं 4 से 5 इलायची कूट ली थी, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और इसमें 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, वो हल्का सा मैंने क्रश किया था, उसे मैं ऐड कर लूँगी। ये देखिए इसे ऐड कर लें और इसे अच्छे तरीके से पका लें। और कुल्हड़ जो है हमें नहीं उतारना है, उसे घुमा घुमा कर मैं उसी तरीके से उसे गर्म कर लूँगी। देखिए ये देखिए, बस इसे ऊपर नीचे और घुमा के, कभी नीचे के साइड से हमें नहीं उतारना, काफ़ी अच्छा गर्म हो जाना चाहिए। तो कुल्हड़ के साइड्स मैंने चेंज कर दिए और अभी मैं इसके साइड्स चेंज करती जाऊंगी और इसको लो फ्लेम पे मैं अच्छे तरीके से हीट कर रही हूँ। और मेन जो लीड रोल है हमारा, ये कुल्हड़ का ही है। तंदूरी चाय में हमारे कुल्हड़ का ही लीड रोल होता है और चाय हमारी जो है ये उबल गई है, पक चुकी है। ये देखिए चाय भी लो फ्लेम पे मैं बना रही हूँ और कुल्हड़ भी उधर हमारा गर्म हो रहा है। तो चाय कंप्लीट हो गई हमारी और मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी किसी और बर्तन में। देखिए इसे मैं स्ट्रेन कर ले रही हूँ। तो चाय मैंने पूरा स्ट्रेन कर लिया और कुल्हड़ भी हमारा जो है फुल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें रख रही हूँ सॉस पैन में और गैस हमारा जो है वो बंद है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वही चाय अपनी, ये देखिए। तो इसका मैं तंदूरी फ्लेवर दे रही हूँ इस चाय को मैं, और मैं अपनी पूरी चाय इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि पूरी चाय में तंदूरी फ्लेवर उतर जाए। तो ये देखिए अब जो है इसका जो उबाल था वो कम हो चुका है और नीचे से फिर भी देखिए इसकी हीट की वजह से जो है, ये देखिए कैसे उबाल थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी आपको, इसमें कैसे उबाल बन रहा है। अब मैं इसे डिस्कार्ड कर दूंगी और अब चाय जो है सर्व के लिए रेडी है। तो आप सर्व करें। और इसका जो मज़ा है ना, वो कुल्हड़ में ही पीने में इससे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप उसी का इस्तेमाल करें। तो ट्राई करें, इंजॉय करें। जज़ाकअल्लाह।